मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास सिक्स के लिए चैप्टर 11 है जिसका शीर्षक है छींक छींक छींक। यह एक हास्य कथा है। एक पुरानी कहावत है कि हमें बड़े बुजुर्गों की कद्र करना कितना अच्छा लगता है। अगर हम अंधविश्वास में पड़े तो वह हमारी दुर्बलता है। कद्र करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास में ना पड़े। एडमंड बर्क का कहना है, अंधविश्वास एक दुर्बल मन की धर्म है। एक दुर्बल जो मन होता है उसका धर्म है अंधविश्वास करना, क्योंकि वह अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। वह रटी रटाई बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। तो एक ये जो कहानी है वह बोहरनपुर गांव के एक मनोहर नाम की व्यक्ति की कहानी है। वह व्यक्ति बुजुर्ग हो चला था। अपने घर परिवार में उसकी हुकूमत चलती थी। उसके बेटे बहू उसी के इशारे पर चलते थे। वह लगभग 70 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ थे। और उनकी दो बेटा और बहुएं थीं। बेटे कमाते थे और हुकूमत उनकी चलती थी। उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी घर में नहीं हिलता था। मनोहर के बहुओं को ये बात हमेशा बुरी लगती थी। वह बात बात पे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती थी और हमेशा वह इस बात को महसूस करती थी कि हम किसी के बस में ज़िंदगी जी रहे हैं। एक बार वह बोलती रहती थी हमेशा कि आखिर इसकी चाकरी मैं कितने दिन तक करूं, ज़िंदगी बीत जाएगी इनकी चाकरी करते करते। पता नहीं कब इनकी सांस छूटेगी और कब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। मनोहर बाबू ने अपनी बहू की बात को अच्छी तरह से सुन लिया और उसे बहुत गुस्सा आया, परंतु वह किसी से कुछ नहीं बताया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बूढ़ा तो हो ही गया हूँ, थोड़ी ज़िंदगी बाकी है। बच्चों से बेकार की बातें कर लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। वैसे तो मैं समझ ही गया कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या है। मनसा तो यही है हमसे छुटकारा पाने की। तो अच्छा हो कि मैं इन लोगों को बिना बताए हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच समझ लूं। ऐसा तो सब लोग जानते हैं कि पंडित जी हर लोगों की मुसीबत से टालने का कोई उपाय बताते हैं। तो मैं भी आज पंडित जी के पास जाता हूं और अपनी मुसीबत के बारे में उनसे कहूंगा, अपनी मुसीबत को बताऊंगा। और ऐसा ही मनोहर ने किया। वह सुबह हुआ, बिना किसी को कुछ कहे पंडित जी के घर चल दिए और वहाँ जाकर पंडित जी से प्रणाम किया और बताया। पंडित जी ने उनसे पूछा कि आखिर आपके आने का सुबह सुबह क्या कारण है। उन्होंने गोल मटोल बातों में पंडित जी से कुछ बातें बताई और उन्होंने कहा कि मुझे सबसे यह बातें खल रही है कि मैं कितने दिन तक जीऊँ। मुझे यह पता चल जाता तो मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से संवार के जीता। मैं डर के घुट घुट कर जीना नहीं चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बड़ा स्वाभिमान से जीऊँ। लेकिन पंडित जी ने उन्हें बताया कि अनजान में अगर मृत्यु हो तो यह बहुत अच्छी होती है। मनोहर बाबू, आप धैर्य रखें, इसके बारे में आप तहकीकात न करें। लेकिन वह अपने जिद पर अड़े रहे कि नहीं, आपको मुझे इसके बारे में बताना ही होगा। आखिर उस हिसाब किताब से पंडित जी अपने मन में सोच विचार करने लगे। लेकिन पंडित जी भी असमंजस की स्थिति में पड़ गए
कि आखिर मैं इन्हें बताऊं तो क्या बताऊं। वह थोड़ी देर सोचने के बाद मनोहर बाबू से कहते हैं कि देखिए, ऐसे तो मृत्यु का आना कोई हम लोगों के लिए निश्चित मापदंड नहीं है कि आपकी मृत्यु कब आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक अपने आवभाव से आपके बारे में सोचा, तहकीकात किया, तो पता चला कि जब आपके ज़िंदगी में 3 बार छींक आएगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात तो मनोहर बाबू के लिए बिल्कुल आसान लगा कि 3 बार छींक आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे तो छींक आती नहीं है बार बार। तो पंडित जी ने उन्हें समझाया कि बार बार छींक आने से नहीं, अगर आपको 3 दिन में 3 बार छींक आ गई तो आपकी मृत्यु 3 दिन के अंतर्गत होगी। 3 महीने के अंतर्गत 3 छींक आई एक बार में तो 3 महीने के अंतर्गत होगी। 3 साल के अंतर्गत अगर 3 छींक आई तो 3 साल के अंतर्गत आपकी मृत्यु होगी। 30 साल के साथ अगर 3 बार छींक आती है तो 30 साल में होगी, और अगर 50 वर्ष में 3 बार छींक आई तो 50 साल तक और आप जीवित रहेंगे। यह सुनकर मनोहर काफ़ी खुश हो गया। उसने सोचा कि अभी तो मुझे लंबी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि मुझे कभी छींक तक तो आती नहीं है। यह सोचते हुए वह घर आए और मन में दृढ़ विश्वास करके यह चलने लगे कि अभी तो मैं काफ़ी दिन तक जीऊँगा, हो सकता है कि मैं 50 वर्ष तक जीऊँ। और उसी तरह से अपने कार्य घर में अपनी दबदबा बनाए रखने की कोशिश करने लगे। उनके बेटा बहू को यह बात और खलने लगी कि आखिर इनकी मनोदशा जो है दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है, आखिर इस बात को वह समझते क्यों नहीं हैं कि अब मेरी भी कुछ ज़िंदगी है, मैं भी अपने तरह से जीना चाहता हूँ। तो यह जो कहानी है वास्तव में हास्यास्पद है। अगर मनोहर बाबू को यह एहसास होता कि पंडित जी मेरी ज़िंदगी को 3 छींक से आंक रहे हैं तो कभी उनकी मनोदशा नहीं बदलती, वह अपने आप में सुधार करने की कोशिश करते कि नहीं, सही बात है कि अब मेरी उम्र 70 पार कर चुका है, इसलिए हमें अपने बेटा और बहू के साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी जीना चाहिए, हमें सम्मान के लिए लेने के लिए सम्मान देना चाहिए। लेकिन पंडित जी के अंधविश्वास के कारण इसका दुष्परिणाम हुआ, उनकी मनोदशा में थोड़ा भी परिवर्तन ना हुआ और वह अपने आवभाव को, अपने हुकूमत को दूसरी नज़रअंदाज से देखने लगे कि अभी तो मेरा यह कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस तनाव भरी ज़िंदगी में अगर हम अंधविश्वास में पड़ जाएं, अपने आप को भूल जाएं कि हमारी दिनचर्या जो है ज़िंदगी भर एक समान रहेगी, हमारे हुकूमत एक समान रहेंगे, हम एक दूसरे पर कभी आश्रित ना होंगे, यह हमारी भूल है। हर चीज़ में परिवर्तन सृष्टि का नियम होता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो भी वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं पालन पोषण के लिए। उसी तरह व्यक्ति का जब बुढ़ापा आने लगता है तो उनका शरीर जो है वह पहले की जरह काम नहीं कर पाता है, उनका शरीर जो है एक दूसरे पर आश्रित होने के लिए बेकाबू हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से यह सीख दी जा रही है कि हमें अपने
से बड़े बुजुर्गों का कद्र करना ही चाहिए, लेकिन अंधविश्वास में पड़ कर नहीं। और बड़े बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनको भी यह सोचना चाहिए कि हमें उम्र के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, तभी मेरा सम्मान हो सकता है। कहानी के शेष भाग को अगले वीडियो में बताई जाएगी। धन्यवाद।